गुजर गुजर करते रहते हो आप लोग, गुजर का शोर मचाए रखते हो। गुजर का शोर नहीं मचाते आप लोग, बदनाम भी तो गुजरों को ज्यादा करते हो। गुजरों को कहती हूँ कि हाँ गुजर बहुत अच्छे हैं, गुजर होने पे मुझे गर्व है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं दूसरे किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं दूसरे किसी को बुरा बता रही हूँ। लोगों ने मेरे फेस पे आपको आपके पीठ पीछे कहा होगा, मेरे मुंह पे मुझे गवार कहा है। जो ये कहते हैं कि गुजर चोर है, उनके खुद के मन में चोर है। आज की डेट में गुजरों को पसंद करने वाले बहुत हैं जी। तो मेरे ऑफिस में मुझे सब गुजरी मैम कहते हैं। अच्छा। कोई मेरा नाम नहीं बोल लेता। जो भी लड़कियां हैं ना समाज की, ना केवल गुजरों की, मैं तो ये कहती हूँ कि अपने आप को खुद बनाओ। बिल्कुल। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़की जो है ना वो बड़ी किस्मत से मिले है और बहुत ही भाग्य से मिले है। मैं मानू हूँ कि तुम लड़की की बेटी की बहुन की बहुत इज्जत करो हो। एक टाइम ऐसा होगा आप हस्बैंड से बोलो कि लाओ 4000 दो, वो 100 रुपए देगा। लाओ 2000 दो, वो 200 देगा। भारत के गुजर ना, तो आपने जो ये टॉपिक ही लिया है भारत के गुजर, तो इससे बड़ा फर्क पड़ा है। तो ऐसी ही वीडियो अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुजर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुजर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुजर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत जरूरी है। अगर गुजरों से कोई प्यार से रहे ना तो गुजर अपना दिल निकाल के दे दे, लेकिन गुजर को ये जो ऐट है ना ये बर्दाश्त नहीं है जी किसी की भी। मैं सुनना पसंद नहीं है किसी सुनना नहीं जी, गलत सुनना। देखो सुन लेंगे लेकिन गलत नहीं सुनेंगे। जहां हम गलत नहीं है तो हमें गलत क्यों सुन? कोई नहीं ठहरा सकता फिर तो, चाहे पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाए। और अगर हम गलत है तो जी पैरों में झुकने के लिए तैयार है। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, गुर्जर समाज की बात रखी। तो आज फिर से हमें मौका मिला है निशा जी से बात करने का, काफी बातें हैं जो इनसे करेंगे। तो जैसे कि हम आपसे गुर्जर महोत्सव में बात हुई थी, भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से आपने अपनी बात रखी जी। तो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई वो जी, वीडियो जी। तो आपके लिए क्या कुछ पॉजिटिव रहा है, निगेटिव रहा, किस तरह से आपने सामना करना पड़ा? देखो मेरे लिए तो जी मैं तो पॉजिटिव ही कहूंगी। रिश्तेदारों के फोन, सबके फोन, बहुत अच्छा सा लगा। मतलब ये लग रहा था कि आज तो पता नहीं कोई सेलिब्रिटी बन गई हो। उस दिन तो पता नहीं, मतलब फीलिंग भी एक अलग ही थी, क्योंकि जो एक चीज पहली बार हुई वो गुजर महोत्सव, तो उसे देख के ही पता नहीं अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ पता नहीं यार, मतलब आज तो बस मन में जो है वो बोल दे। तो देखा मैंने, कहा यार इतने लाइक्स आ गए इस पे। मैं बार बार उस वीडियो को देख रही हूँ, मैंने कहा यार इतने लाइक्स कैसे आ गए इस पे। फिर जब मेरे को सबके सब भेज रहे हैं कि यहाँ पे और सब अपने स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कहीं से फोन आ रहे हैं जो मदन भैया जी हैं उन्होंने अपना स्टेटस मेरा लगाया, तो मैं अच्छा, तो बड़ी बात मानती हूँ। तो उन्होंने स्टेटस लगाया मेरी, मतलब काफी मेरी सिस्टर्स के फोन आ रहे हैं कि मेरे चाचा की लड़की ने तेरा लगा रखा है, मेरे चाचा की लड़की ने तेरा स्टेटस लगा रखा है। तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। लेकिन बस एक चीज जो थोड़ा फेस करनी पड़ी वो ये कि उस चीज को लेके ना काफी लोगों ने मेरे को नेगेटिव कमेंट्स करने पड़े, बट मेरे पे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो जो गलत बोलेगा ना वो असल में खुद गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, हमने तो बोलना है, अपने दिल से बोला है। तो किस तरह से आज देख रहे हैं कि जो अगर बात करें कि 20 साल पहले की जो हमारे गुर्जर समाज थे, जो सोच थी, जो थिंकिंग थी, पढ़ाई को लेके, नौकरियों को लेके, तो अब कैसे बदल रहा है समाज? क्या लग रहा है कि कितना बदलाव हो चुका है? बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। आज की डेट में माँ बाप भी बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चे को पढ़ाने में, उनके साथ खड़े होने में, हर चीज को सपोर्ट करते हैं। एक वो टाइम था जी कि जिसमें ना, मतलब जो समाज वाले आधा तो वही नहीं जीने देते थे। बिल्कुल। अभी समाज की सोच चेंज हो चुकी है। पहले वाला गुजर और अब वाले गुजर में जमीन आसमान का अंतर है। पहले वाला गुजर एक अलग सोच से चलता था, अभी देखा देख देख के होता है ना कि देखा देख बदलते हैं। बिल्कुल। तो देख देख के ना वो लोग भी अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो सोच है, कहीं ना कहीं वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनरेशन थी वो भी चेंज हो चुकी है। जो हमारे बुजुर्ग थे बड़े, अब उनके हाथ में चीजें निकल गई है, तो एक नई पीढ़ी आई है वो थोड़ा पढ़ी लिखी है, तो वो भी चाहती है कि आगे एटलीस्ट बच्चे आगे पढ़े और कहीं ना कहीं समाज में भी और देश में भी नाम रोशन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा तो बहुत जरूरी है चीज के लिए। तो फिर भी अगर बात करी जाए आज गुर्जर समाज को, जो युवा हैं, बच्चे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या आगे बढ़ रहे हैं? हमारा समाज कितने, किस दोहराए पे आज आप देख रहे हैं? आपके टाइम का स्ट्रगल और आज हमें कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, किस तरह से आप देख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए मैं तो ये कहूंगी कि जो पहले और अब में है वो फर्क तो बहुत है, लेकिन आज की डेट क्या हो गई है कि आज की डेट में ना केवल मैं गुजरों के लिए कहूंगी, आजकल में जो और भी बच्चे हैं ना काफी, वो भी कई एक अलग ही ट्रैक पे निकलते जा रहे हैं। आज उन्हें माँ बाप का सपोर्ट है, लेकिन आज बच्चे कई ऐसे हो रहे हैं कि
हमें पढ़ना नहीं है, हमें दादागिरी में रहना है। बिल्कुल। मैं एक बस ये चीज बोलना चाहूंगी कि देखो जो ये लोग कहते हैं ना कि गुजर गुजर करते रहते हो आप लोग, गुजर का शोर मचाए रखते हो, गुजर का शोर नहीं मचाते आप लोग, बदनाम भी तो गुजरों को ज्यादा करते हो, पढ़े लिखे नहीं होते, गवार होते हैं और ये बदतमीज होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जाता है, टारगेट बनाते हैं और 110% बनाते हैं। देखो अगर मैं गुजरों को कहती हूँ कि हाँ गुजर बहुत अच्छे हैं, गुजर होने पे मुझे गर्व है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं दूसरे किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरे किसी को बुरा बता रही हूँ, सारे आपस में भाई भाई है, मैं उनके लिए ये तो नहीं कहती कि आप कम हो हम ज्यादा है, लेकिन एक बात बताओ जो हमारे खुद के माँ बाप होते हैं दूसरों के माँ बाप से, हमारे अपने माँ बापों की रिस्पेक्ट हमारी ज्यादा होती है, बिल्कुल, प्यार ज्यादा होता है, अटैचमेंट ज्यादा होती है, बस वही चीज है। ये कहीं ना कहीं जो हम वीडियो का माध्यम भी है, ये ऐसा नहीं कि इसे इसको सुनेगा तो गुर्जर समाज ही इसको वो करेगा, कोई भी प्रेरणा ले सकता है, एक स्टोरी है, कोई भी आगे बढ़ सकता है। ये इसका सिर्फ और सिर्फ मेन जो मकसद है वो यही है कि मैं लड़कियों को बोलूंगी कि आप कहीं भी ना ये मत सोचो कि नहीं अब इससे आगे नहीं होगा, क्या पता उसी से आगे ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है ना आप अभी हार मान के बैठ गए, क्या पता अगला जो स्टेप वो आपको कहां से कहां ले जाता। अब मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगी कि मेरा, मैं बैंक में जॉब भी करती हूं बट मैं वहां नहीं रुकी, मैं नहीं रुकी, मुझे वहां लगा कि नहीं, तो मैंने अपना ऑनलाइन अपना बुटीक भी कर रखा है, मेरा ऑनलाइन बुटीक भी है, अच्छा बुटीक भी चलाते हो, ड्रेसेस भी डिजाइन करती हूं, काफी कितनी लेडीज हैं, कितना वो है जो भी मेरे पे ड्रेसेस डिजाइन करवाती हैं, और मेरा इंस्टा पे भी अकाउंट जो है वो ड्रेसेस का ही है, निशा कौचर के नाम से है मेरा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोग, मैं मेरा फिर से वही कहना है जी कि अगर आप सही हो ना तो डट के रहो, आज गलत कह देगा कोई, आखिर में आप सही ही रहोगे। तो मेरा सिर्फ मेन जो है वो यही है कि अगर आप सही हो तो डटे रहो, आखिर में आपको सही सब देख लेंगे, आज गलत कह देंगे कल आपको गलत नहीं कहेंगे। तो जी मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। हाँ मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या है, अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ मेरा क्या है, मुझे कई लोगों ने मेरे फेस पे, आपको आपके पीठ पीछे कहा होगा, मेरे मुंह पे मुझे गवार कहा है। अच्छा। क्यों कहा है? उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये, मैं ऐसी हूँ जी कि मुझे अगर मैंने सामने वाला बंदा हंसा दिया ना, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है, मैं हंसाने के लिए कैसी कैसी बातें करती हूँ, उल्टी सीधी कुछ भी बातें करती हूँ, तो दूसरा बंदा हंस गया तो उसका मुझे लग गया कि हाँ मैंने एक बंदे को हंसा दिया। रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो मैं तो वो बहुत अच्छा समझती हूँ, लेकिन उस दौरान अगर लोग मेरे को कमेंट करने लगे कि तुम जोकर हो, तुम गवार हो, तो वो उसकी सोच है मेरी। बिल्कुल। आपके कितनी आज भी हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि लोग हमें बार बार कहते हैं ये तो चोर है, कहीं ना कहीं निगेटिव जो लोग हैं ना थॉट उनके आज भी हैं गुर्जर समाज को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो चैनल का भी उद्देश्य है जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है पांच उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, लेकिन हमारे और बच्चे भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, उनको भी देखिए आप, तो उस तरह से आप किस तरह से देख रहे हैं कि अभी भी हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। जी देखिए पहली बात तो मैं जो कहूँगी वो यही कहूँगी कि जो ये कहते हैं कि गुर्जर चोर है, उनके खुद के मन में चोर है। आज की डेट में गुजरों को पसंद करने वाले बहुत हैं जी। हम जो ये गुजर गुजर करते हैं ये इसलिए नहीं करते कि हम ये सोच रहे हैं हम हैं या हम ही कोई तोप है, नहीं, लेकिन बस वो जो कुछ लोग है ना, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ जो लोग हैं, हम उन्हें ये दिखाते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ी लिखी है, हम भी आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, तो हम भी ये चीजें कर रहे हैं। जो गुजर महोत्सव हुआ था वो सबसे बड़ा इस चीज का प्रूफ था कि ना कोई पुलिस, ना कोई सिक्योरिटी, ना कुछ कोई चीज, वहां पे कोई 1% की भी बदतमीजी हुई हो तो मुझे बताओ, वहां पे कुछ भी ऐसी चीज हुई हो तो बताओ, तो फिर आप गुजर। हमने देखा महिलाएं बहुत बड़े बड़े लेवल पे अपने हार अपने गहने सब पहन के आई थी, और सब तरीके की औरतें थी, मतलब यही नहीं कि वहां बिल्कुल घूंघट वाली ही थी, वहां जींस वाली भी थी, सब तरह की लेडीज थी वहां पे। मैं तो जितनी भी जो भी लड़कियां है ना समाज की, ना केवल गुजरों की, मैं तो ये कहती हूँ कि अपने आप को खुद बनाओ। बिल्कुल। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अब आप ये जो इस टाइम में टाइम लगा रहे, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, शायद हो सकता है कोई इस बात को गलत तरीके से ले भी जाए जिसको मैं अपनी बात को रख रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को इसलिए रख रही हूँ कि लड़कियों से सिर्फ ये कहना है, सज तो पूरी उम्र लोगी, ठीक है, सज तो आप पूरी उम्र लोगी, लेकिन कम से कम अभी अपने भविष्य को तो सजा लो। बिल्कुल। उस चीज को कर लो, आज आप करोगे ना कल को आप पाओगे। जो उस टाइम था, मैं आपको मैं यहाँ कहना नहीं चाहती, लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा टाइम नहीं गया था जहां मैं रोई चिल्लाई चीखी या फिर लड़ी नहीं हूं। तो मैं इन लड़कियों को यही एक बात बताना चाहती हूँ, अगर एक टाइम में आपके अपने भी आपके खिलाफ हो रहे हैं, बिल्कुल, और आपको कॉन्फिडेंट है कि आप सही हो, तो आप डटे रहो ना। सही बात है कि नहीं?
अगर मैं उस टाइम पे ये सोच लेती ना यार पापा है, इनकी वजह से मैं दुनिया में आई हूँ, मुझे जन्म दिया है, मेरी माँ ने, माँ रोक रही है, मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली कार्ड जो होता है वो अगर आ जाती तो आज मैं आपके साथ यहाँ ना बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? तो यही चीज है, मैं उन लड़कियों को यही बोलूंगी कि आप, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बोलती हूँ कि आप सही रहो, आप डटे रहो, आप एक ना एक दिन जरूर सक्सेस पाओगे। बिल्कुल। और बाकी जो सारी चीजें आप कर रहे हो ना, कोई भी लड़की, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कोई भी जो भी कर रही है आज की डेट में कि हाँ ये ट्रेंड फैशन, ये फैशन, वो फैशन, वो फैशन, वो कुछ काम नहीं आना फैशन। एक टाइम ऐसा होगा आप हस्बैंड से बोलोगे लाओ 4000 दो, वो 100 रुपए देगा, लाओ 2000 दो, वो 200 देगा। जो व्यूअर आपको देख रहे हैं जी, उनको थोड़ा सा अपनी गुजरी स्टाइल में अगर आप कुछ कह सके, जो बेटियां हैं, लड़की जो है ना वो बड़ी किस्मत से मिले है और बहुत ही भाग्य से मिले है। मैं मानू हूँ कि तुम लड़की की, बेटी की, बहुन की बहुत इज्जत करो, हो उन्हें कहो कि उन ओढ़ के रहे उन्हें यू करो, वो बहुत अच्छी बात है। मैं बात है बिल्कुल हटके ना हूँ, मैं आज भी घूंघट करके ही निकल रही हूँ अपने घर से, आज भी मैं बिना घूंघट के अपने घर से नहीं निकल रही। लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि बेटी ने और बहुवन ने थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट करो जो वो भी कुछ करके दिखावे, है ना? तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो, बहुत उगर रहे हो, तो थोड़ा सा बस यू भी सोच लो कि उनको भी मन है, वे पढ़ रही है तो पढ़ लन दो, वे कुछ करना चाह रही है तो कर लन दो। हाँ, अगर वो जो गलत है मोहजी, तुम्हें जैसा तुम्हारा अपना खुद का स्वभाव है उनके साथ या उनका स्वभाव है वैसे तुम उनके साथ बात कर सको, लेकिन अगर वे गलत ना है तो तुम्हें जी साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए उनका साथ। बहुत ही बेबाक तरीके से आपने बोला और बहुत ही अच्छी बात बोली, मतलब इसके पीछे की जो गहराई अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी गहराई है। एक लास्ट सवाल चलते चलते मैं थोड़ा सा भारत के गुर्जर चैनल पर भी आ जाता हूँ, जो हम ये एक मुहिम लेके चल रहे हैं, गुर्जर समाज की वीडियो दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ इससे फर्क पड़ने वाला है समाज में, कुछ लगेगा या हम अपना समय वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे आप जी। आप तो एक बात बताती हूँ मैं तो, अच्छा एक चीज और मैं आपसे कहती हूँ, जब आपका मैंने गुजर वाला जो ये चैनल है भारत के गुजर, मैंने जब तक ये फॉलो नहीं करा था तब तक मैं कोई भी पेज वगैरह ये गुजर वाले फॉलो नहीं कर रही थी, जो मेरी सच्चाई है। अच्छा, ये मेरी सच्चाई है क्योंकि उस टाइम में क्या था, मैं बड़ा अपनी जिंदगी में मतलब थी, इतना घोल मचोल था कि उसमें बिजी रहती, घर घर से ऑफिस, ऑफिस से बुटीक, बुटीक से मार्केट, मार्केट से घर, फिर खाना, फिर सो जाना, ये था। तो उस टाइम जो चीज हुई कि भारत के गुजर है ना, तो आपने जो ये टॉपिक ही लिया है भारत के गुजर, तो इससे बड़ा फर्क पड़ा है कि भारत के गुजर, तो उससे क्या है आप जगह जगह की चीजें दिखा रहे हो, जगह जगह के लोग दिखा रहे हो, उनका रहन सहन दिखा रहे हो, और सबसे अच्छी बात जो वहां के जो लोग है कि उन्होंने कुछ चीजें हासिल करी है, कुछ पद हासिल किया है, तो उनको देख के दूसरों को भी लगता है कि मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं कम थोड़ी हूँ, ये भी रोटी खा रहा है, मैं भी रोटी खा रहा हूँ, है कि नहीं? तो मैं भी कर सकता हूँ ये, तो आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी, मेरी तो बहुत दुआ है कि आगे आप देखना जी, आज तो इतने फॉलोअर्स है, इसके भी 4 गुना ही होंगे आपके। और जब आपने मुझे इतना वो दे दिया, मैं तो आपको समझती हूँ जी इस चीज से, क्योंकि आपके उस पे आई थी उस दिन से ही पूरा सबने एकदम देखा।